हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं सुबह को 6:30 बजे उठ गया था। आज से मेरा कॉलेज है ना, मंडे है आज, तो सुबह 9:30 से शाम के 4 बजे तक मेरा कॉलेज है। तो इसलिए मैं रात को जल्दी सो गया था, अराउंड 1:30 बजे तक मैं सो गया था और सुबह 6:30 बजे मैं उठ गया। और अभी मैं फिलहाल नहा लिया हूँ, सब कर लिया हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम करूँगा, उसके बाद फिर कॉलेज के लिए रेडी हो जाऊँगा और जल्दी, आशा करता हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ कॉलेज। इतना जल्दी करके भी अगर लेट हो गया ना तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं जितना भी जल्दी कर लेता हूँ ना फिर भी मेरा लेट हो ही जाता है। तो आज आशा करता हूँ कि मैं जल्दी हो जाए, मैं जल्दी कॉलेज पहुँच जाऊँ, टाइम से थोड़ा पहले पहुँच जाऊँ, पहले तो पहुँचता ही हूँ पर थोड़ा और पहले पहुँच जाऊँ। तो फिलहाल अब जाते हैं, अपना काम करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं उसको। तो गाइस, अभी जाके फाइनली मेरा कैमरा ऑन हुआ है, मैं कॉलेज पहुँचा, ठीक है। तो कॉलेज पहुंचने के बाद मैं जैसे मतलब कैमरा ऑन कर रहा था तो मेरा ऑन ही नहीं हो रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर से पुराना वाला प्रॉब्लम। जब सुबह को मैं घर में था तो दी एक दी फ़ोन की थी, तो वो दी का फ़ोन सिर्फ मेरे को सुनाई दिया कि हाँ दी फ़ोन की है। उसके बाद भैया फ़ोन किए, दो फ्रेंड फ़ोन की, पर मेरे को एक भी उनका रिंग सुनाई नहीं दिया। भैया 4 बार कॉल किए थे पर मेरे को एक भी रिंग उनका सुनाई नहीं दिया। कॉलेज पहुँचा, कॉलेज रूबी के पास से ऑटो पकड़ता हूँ ना, तो ऑटो में इतना लंबा लाइन था कि मेरे को ऑलमोस्ट आधा रास्ता जाना पड़ा, आधा रास्ते से ऑटो लेना पड़ा मेरे को। उसके बाद मैं कॉलेज पहुँचा, इसलिए मेरा क्लास मिस हो गया पहला वाला, क्या करूँ, ऑटो में इतना लंबा लाइन था और कुछ कर ही भी नहीं सकता मैं। उसके बाद ऊपर से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, ऊपर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करा, मैं क्या करूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। अभी फिलहाल 6 बज रहे हैं और अब मैं घर जा रहा हूँ। आज लिटरली काफ़ी गर्मी था, बहुत कुछ दिखाने को था, मतलब सुबह को मैं जो खा कर गया ना उसके बाद मेरे को इतना इतना भूख लग रहा था कि कुछ खाने को नहीं था। फिर हम लोग फिर पैसा जुगाड़ कर रहे थे कि जाके आगे जाके खाएंगे, तो जुगाड़ कर ही रहे थे कि आगे मैं देखा कि एक अंकल खिचड़ी खा रहे हैं भूख का, तो मैं बोला कि देख आगे खिचड़ी मिल रहा है, वहाँ पर जाके खिचड़ी खाए। लिटरली इतना इतना मतलब रिलीफ मिला ना खा के, क्या ही मतलब कुछ बता ही नहीं सकता। और भूख लगा हुआ था, ऊपर से भूख प्रसाद मिल गया तो और भी टेस्टी। बस अभी आ गया हूँ टेगोर पार्क, यहाँ से घर जाऊँगा। तो बस रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी निकला हूँ बाहर, आयुष को बुलाया हूँ। वैसे आप लोग लिटरली विश्वास नहीं करो कि इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, इतना ठंडा ठंडा हवा। घर में था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाहर निकला तो इतना हवा चल रहा है ना, मन कर रहा है अब घर में ना जाऊँ मैं, इतना अच्छा अच्छा हवा चल रहा है, ठंडा हवा चल रहा है। दौड़ दौड़ क्या, मस्त बंदा है, मस्त बंदा है। अच्छा ठीक है ना भाई, गलम हूँ ठीक है ना बाबू। हाँ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अभी कहाँ से आ रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, घर जा रहा तो घर से आ रहा है। अच्छा ठीक है ना भाई, ये कहाँ खा रहा है, एक दिन खत्म हो गया फिर सिर्फ मत खाया, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। क्या नाम है तुम्हारा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तुम्हारा क्या नाम है, हाँ भाई संस्कार जी, तुम्हारा इसी का नाम है, तो जाओ गुड नाइट बोलना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम, आई लव यू, बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, गुड बॉय, मैं प्यार करता हूँ, टाटा, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, गुड्डी।